तो मसूरी से आपको खबर बताने जहां विंटर लाइन कार्निवाल के चौथी शाम पलाश सेन ने बांधा समा। आपको बता दें मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने भी इस दौरान शिरकत की। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के चौथे दिन ठंड के बावजूद पलाश सेन के यूफोरिया बैंड ने समा बांध दिया और इस दौरान इस मौके पर आपको बता दें कि पलाश सेन और उनकी टीम ने 90 के दशक और वर्तमान के कई गाने नए अंदाज में गाए जिसने सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया। पलाश सेन ने कई गाने में मसूरी के हसीन वादियों का पूजन, इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी मौजूद श्रोताओं को नाचने पर मजबूर भी कर दिया। इस मौके पर पलाश सेन ने कई अंग्रेजी गाने भी गाए। चौथी शाम को बतौर मुख्य अतिथि पहुंची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने भी अपने परिवार के साथ कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन सरकार के सहयोग से मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन करता है। ये कार्यक्रम पिछले 10 साल से कराया जा रहा है जिसमें भारी संख्या में लोग भाग लेते हैं। तो आपको बता दें कि मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल का शुभारंभ होने के बाद इसकी कई ऐसी झलकियां देखने को मिली जिसने संस्कृति को बढ़ावा भी कहीं ना कहीं दिया गया। कार्निवल छुट्टी चल रहा था और आज के दिन यूफोरिया का बैंड आया था तो उसमें काफ़ी जोश था, काफ़ी लोग आए और अच्छा चल रहा है और लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक पूरा मिक्स था, लोकल कल्चर भी थी, बाहर से भी आर्टिस्ट को बुलाया गया था, लोकल कुजीन लोगों ने बहुत पसंद किया, तो एक बहुत ही अच्छा पैकेज था इस बार कार्निवल में। सभी ने बहुत, यही मेरी अपील रहेगी सबसे कि कोविड अप्रूव बिहेवियर का पालन करें सभी लोग और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर को भी।